हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 20वां अध्याय, कैंटो 5 चैप्टर 20। विषय है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। कि अध्याय में लक्षद्वीप से प्रारब्ध करके विभिन्न द्वीपों तक उनको घेरने वाले समुद्रों का वर्णन है। इसके अंतर्गत लोकालोक नामक पर्वत की स्थिति और उसके आकार प्रकार का भी वर्णन है। ये लक्षद्वीप विस्तार में जम्बूद्वीप से दुगुना है तथा लवण सागर से घिरा है। हम लोग कुछ दिन तक श्रवण किए कि जम्बूद्वीप तो जम्बूद्वीप से भी दोगुना बड़ा है। कौन सा? लक्षद्वीप, जो लवण सागर से घिरा हुआ है। तो इस द्वीप का स्वामी इदमजीहा है, जो महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से है। महाराज प्रियव्रत जो शाम्भव मनु का पुत्र, शाम्भव मनु ब्रह्मा का पुत्र, तो ये जो प्रियव्रत के पुत्रों में से एक है महाराज इदमजीहा। तो यह द्वीप 7 विभागों में बटा है और प्रत्येक में से एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। दूसरा द्वीप सालमी द्वीप कहलाता है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा द्वीप क्या है? सालमी द्वीप, जिसमें यह सुरा के समुद्र से घिरा है और 3,02,00,000 मील चौड़ा अर्थात लक्षद्वीप से दोगुना है। तो इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रतों के पुत्रों में से एक जग्गबाहु है। तो लक्षद्वीप के ही समान यह भी 7 भागों में बंटा है, जिनमें से प्रत्येक में एक पर्वत और एक बड़ी नदी है। इस द्वीप के वासी श्री भगवान की पूजा चंद्रात्मा के रूप में करते हैं। भगवान के विभिन्न नाम हैं और उनकी विभिन्न रूपों में पूजा किया जाता है। तो इस द्वीप में सालमी द्वीप जो लक्षद्वीप से भी बड़ा है, तो भगवान का नाम चंद्रात्मा के रूप में यहाँ पर पूजा किए जाते हैं। और तीसरा है सुरा मीन्स शराब। पहला लवण सागर से घिरा हुआ है और सालमली द्वीप सुरा से मीन्स शराब के सागर से घिरा हुआ है। और तीसरा द्वीप है घृत के सागर से घिरा हुआ है और वो भी 7 भागों में विभाजित है। ये कुश द्वीप कहलाता है। पहला द्वीप हम लोग सुने लक्षद्वीप, दूसरा सालमली द्वीप और ये तीसरा है कुश द्वीप। इसका स्वामी महाराज प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्य रहता है। इसके वासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कहा गया कि भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, तो भगवान के अनंत रूप है। तो इस भगवान की पूजा यहाँ पर अग्नि रूप में किया जाता है। और इस द्वीप की चौड़ाई कितना है? 6,04,00,000 मील अर्थात सालमली द्वीप से दुगुनी है। और चौथा द्वीप है कोंच द्वीप, जो दुग्ध सागर से घिरा है और इसकी चौड़ाई 1,28,00,000 मील है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार एक एक द्वीप विभिन्न द्वीपों से दुगुना या बड़ा है। ये कोंच द्वीप और यह भी अन्यों की तरह 7 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र घृत श्रेष्ठ है। इस द्वीप के वासी जल के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। जल के रूप में जैसे हम लोग देखे एक द्वीप में भगवान की पूजा अग्नि रूप में किया जाता है, सालमली द्वीप में भगवान की पूजा अग्नि रूप में, और आपका कुश द्वीप में भगवान की पूजा अग्नि रूप में, सालमली द्वीप में भगवान की पूजा चंद्रात्मा के रूप में, और यहाँ पे
कोच द्वीप में भगवान की पूजा जल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान की विभिन्न लीलाएं, विभिन्न शक्ति के द्वारा भगवान विभिन्न रूपों में उसकी पूजा किया जाता है। और पांचवा द्वीप जो है उसका नाम है शाक द्वीप, जो 88.56 लाख मील चौड़ा और मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी मेधातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। प्रियव्रत का पुत्र यह द्वीप भी 7 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इसके वासी वायु रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। पहले हम लोग श्रवण किए चंद्रात्मा के रूप में, अग्नि रूप में, जल रूप में, और इस शाक द्वीप में क्या भगवान की पूजा किस रूप में किया जाता है? वायु रूप में। इसके बाद छठा द्वीप जो है वो है पुष्कर द्वीप, जो पिछले वाले द्वीप से दुगुना चौड़ा है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका स्वामी बितिहोत्र है, जो महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है। महाराज प्रियव्रत के अनेक पुत्र हैं और सभी पुत्र एक एक राजा हुआ। जब महाराज प्रियव्रत वानप्रस्थ लिए, घर परिवार त्याग दिए, तो उनके समस्त पुत्र एक एक द्वीप का राजा बन गए। और पुष्कर द्वीप छठा द्वीप जो है, 6 नंबर पुष्कर द्वीप है, जो पिछले वाले द्वीप से दुगुना चौड़ा है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका स्वामी बितिहोत्र है, और जो वो भी महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है। यह द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा 2 भागों में विभाजित है। ये द्वीप कैसा है, जैसे ये पर्वत बीच में है तो वो 2 खंडों में विभाजित है। एक्चुअली एक ही द्वीप है, लेकिन एक ही द्वीप के बीच में एक पर्वत है, जिस पर्वत के कारण वो 2 अलग अलग स्थान कहा जाए। मानसोत्तर पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, जिसके कारण 2 विभागों में ये द्वीप विभाजित है। और इसके बाद से श्री भगवान के ही अन्य रूप शंभू ही की पूजा करते हैं। इस द्वीप से भी आगे 2 और द्वीप है, जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और दूसरा सदैव अंधकार से पूर्ण रहता है। 2 द्वीप जो है, एक द्वीप सब समय सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दूसरा द्वीप क्या है, अंधकार से। तो इन दोनों द्वीपों के मध्य लोकालोक नामक पर्वत है। दोनों द्वीप जो है उनके बीच में लोकालोक नाम का पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1 अरब मील दूर है। तो इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं, और लोकालोक पर्वत से आगे का भाग अलोक वर्ष कहलाता है, और इसके भी आगे मुक्ति से इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। तो इस प्रकार हम लोग ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की जो यहाँ पे वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, हम लोग को मिल रहा है कि जो मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति है वो लोकालोक पर्वत से भी आगे भाग अलोक वर्ष कहलाता है, वहां पे जाने की इच्छुक रहता है। और सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूवरलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। भूलोक और भूवरलोक, भूलोक मीन्स पृथ्वी और भूलोक मीन्स जो प्रेतों का वास है, उससे ऊपर भू भूर्व, उसके बाद स्वर्गलोक, तपलोक, जन मह सत्य, जो 7 लोक है। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है? सूर्य भू और भूर्व इसके मध्य में। सूर्य तथा अंडगोलक अर्थात ब्रह्मांड गोलक के बीच की दूरी 25 कोटि योजन यानी 2 अरब मील है। सूर्य को मातंड कहा जाता है, मातंड, क्योंकि यह ब्रह्मांड में प्रवेश करके आकाश को विभाजित करता है, और हिरण्यगर्भ जो महातत्व का शरीर है उससे उत्पन्न होने के कारण यह हिरण्यगर्भ भी कहलाता है। सूर्य का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। तो इस प्रकार हम लोग ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण
जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए वो हम लोग सुने। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ही साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो ब्रह्मांड की समस्त जानकारियाँ यहाँ पे मिलती है। राजा महाराजों का इतिहास, शुद्ध भक्तों की लीला, यह सब चीज़ का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो इसीलिए हम लोग को सर्वदा श्रीमद् भागवतम का ही सहारा लेकर अपने जीवन को जीना है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम के सत्र में आके आप लोग श्रवण किए, अपने जीवन को सार्थक किए। इसलिए आप सबको बहुत हरे कृष्ण।